सारी पैसे की टेबल बना दी थी हमने, और टेबल अब रुक जाएगी मैडम, बाद में एक साथ बता देना, ये ना सारे एक साथ करवा रहा हूँ, सारे अगले आगे पीछे के चैप्टर के नाम ना एक साथ मिक्स करके करवा रहे हैं, और बार बार हर किसी चैप्टर में वाई पी नहीं होगी, अब डायरेक्ट सीधे समाव्यवस्था होगी, और उसके बाद फिर बनाने की विधि होगी हर किसी चैप्टर में। देखो हर एक चैप्टर जितने भी तुम्हारे चल रहे हैं, ये चैप्टर का नाम था 11वें चैप्टर का नाम तुम्हारे इसके ये एल्कोहल फिनोल और ईथर, हमेशा हर एक चैप्टर में तीन काम हो रहे हैं, तीन काम वो कॉमन है, कभी कभी चौथा काम भी हो जाता है, मतलब तीन काम कॉमन है, क्या है, एक तो उनके कोई भी जैसे एल्केन है या एल्कोहल है या एल्डिहाइड है, उनके भौतिक गुण हो रहे हैं, भौतिक गुण तो बाद में हो रहे हैं, पहले उनके बनाने की विधि हो रही है, विधि होने के बाद उनके भौतिक गुण हो रहे हैं, भौतिक गुण होने के बाद उनके रासायनिक गुण हो रहे हैं, और कभी कभी उपयोग हो जा रहे हैं, ठीक है जी, उपयोग, ये चार काम होते हैं हर किसी चैप्टर में। अब एल्कोहल आने वाला है, अब एल्कोहल के लिए आईपीएससी और समाव्यवस्था करने के बाद में अगला टॉपिक इसके एल्कोहल का, एल्कोहल बनाने की विधि आ रहा है, उसका अगला टॉपिक इसके भौतिक गुण आ रहे हैं, उसका अगला टॉपिक एल्कोहल के रासायनिक गुण आ रहे हैं, भौतिक गुण में से एग्जाम में कुछ नहीं आता है, एक तो बनाने की विधियों में आता है, कभी भी एग्जाम में ये नहीं आएगा कि एल्कोहल बनाने की विधि लिखी, उसमें हमेशा जो नेम वाली अभिक्रियाएं होती है वो अभिक्रियाएं आती हैं, अब हम उन अभिक्रियाओं को किसी ना किसी बहाने करते हैं, मतलब मैं किस तरीके से हेडिंग पढ़वाऊं, तो वो हम हेडिंग पढ़वाते हैं या तो एल्कोहल बनाने की विधि होगी या उसके रासायनिक गुण होंगे, ये हेडिंग होता है जनरली, अब उसमें कोई सी भी आ जाए, अब जैसे इसमें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आई, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा इसमें एल्कोहल का निर्माण, या एक विधि आ जाएगी एल्डिहाइड कीटोनों द्वारा एल्कोहल का निर्माण, या एक आएगी हेलो एल्किन द्वारा एल्कोहल का निर्माण, हेलो एल्किन द्वारा, या इसमें कोई और नाइट्रिक इसमें अपचयन द्वारा इसका एल्कोहल का निर्माण, तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक हेडिंग डालेंगे एल्कोहल बनाने की विधि या विधियां, और उसमें 1 2 3 4 5 करके ऐसे लिखते रहेंगे, अब कोई एग्जाम में ये ना सोचे कि यार वो विधियों के नाम से आएगा तभी हम ये अभिक्रिया लिखेंगे, ऐसा कभी नहीं आएगा, हमेशा ऐसा आता है जैसे 3 नंबर में पिछली बार भी आया कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल का निर्माण कीजिए, अब वो तुम्हें खुद देखना है कि ऐसे विधियों में करवाया होगा ये वाला टॉपिक, या फिनोल आने वाला है तो फिनोल के वही बनाने की विधि भौतिक गुण रासायनिक गुण वही सब करने वाले हैं, तो हर किसी चैप्टर में यही होने वाला है, उसमें हर किसी चैप्टर में एक चीज कॉमन थी आईयूपीएसी, वो एल्कोहल में भी होगी, फिनोल में भी होगी, ईथर में भी होगी, एल्डिहाइड में भी होगी, कीटोन में भी होगी, एमीन में भी होगी, कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी होगी, इसलिए सबके चैप्टर में बार बार ये हेडिंग ना लिखवाना पड़े, 6-6 7-7 बार लिखवाना पड़ता है जैसे, इसलिए सबका एक बार ही करवा दिया, जिससे आज का टॉपिक मिस हो गया समझ लो वो लड़ जाएगा, वो लड़ जाएगा आई यू पी एस सी खत्म उसकी, तो क्योंकि उसका टॉपिक जो है वो आई यू पी एस सी वाला खत्म। अब हमेशा कार्बन की 4 वैलेंसी होनी चाहिए कहीं भी, अब देखो नंबरिंग देख लो जरा, इसमें 3-4 नियम वैसे चल रहा है, ऐसा नियम लिखवा नहीं सकते, सुन लो, देखो काम के नियम सुनो, हमेशा कार्बन की लंबी से लंबी चैन का प्रयोग किया जाता है, जहाँ हाँ कार्बन की लंबी से लंबी चैन कहाँ तक मिलेगी, चाहे वो घूम करके कितनी मिले, टूटनी नहीं चाहिए, कार्बन की लंबी से लंबी श्रृंखला ली जाती है, ठीक है जी, एक एग्जांपल बता देता हूँ मैं, जैसे कि CH3 CH CH, यह है कोई योगी या चलो ठीक है ये योगी, अब हमें किस योगिक में कार्बन की मतलब इसका नामकरण जैसे करना है, तो अब लोगों की हालत खराब हो जाएगी नामकरण करने में, क्या कैसे करना, तो अब हमें जाना उस ओर होता है जहाँ कार्बन की लंबी से लंबी चैन मिले हमें, टूटनी नहीं चाहिए, ठीक है जी, देखो जैसे इधर से चले हम 1 2 3 4 5 6 ऐसा तो हमें 6 मिल जाएंगे, ऐसे देखें 1 2 हम नीचे को भी जा सकते हैं, यहाँ से हमारे पास 2 रास्ते हैं, 1 2 तो यहाँ से रुकते हम देखेंगे आगे भी जा सकते हैं इधर भी जा सकते हैं, क्या कर लेंगे 1 2 3 4 चार कार्बन मिलने ऐसे नहीं जाएंगे, 1 2 3 4 5 तो यहाँ 5 कार्बन मिल रहे हैं, और चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कार्बन मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 मिल रहे हैं, ऐसे चेक कर लो 1 2 3 4 5 मिल रहे हैं, तो हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है जहाँ कार्बन की लंबी से लंबी चैन मिलेगी, और वो क्या है, ये अब इतनी नंबरिंग करने के बाद में मतलब इतनी अभी तो हमने चैन सेलेक्ट की है, उसके बाद में फिर हम करते हैं इसमें नंबरिंग, मतलब कार्बन गिनते हैं और जितने भी अब ये साइड में रह गए इनके नाम वो मैथिल एथिल ब्यूटिल ब्यूटिल ऐसा करके क्लियर करके आते हैं एल्किल करके,
अब देखो इसमें कैसा आएगा, अब नंबरिंग हम किधर से करेंगे तो उधर से करेंगे, जिधर से क्रियात्मक वो नजदीक पड़ेगी। तो चाहे तो हम इधर से करेंगे तो एक दो तीन तीसरे पे जाए, चौथे पे जाके मिलेगा हमें। इधर से एक दो, अब ये क्रियात्मक समूह की भांति कार्य करेगा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। अब एक और बात है, अगर यहाँ कोई क्रियात्मक समूह लगा होता ओ एच सी डबल ओ एच या एन एच टू, तो फिर नंबरिंग इधर से कर, इधर लगा होता तो फिर उधर से करते, अभी तो ये क्रियात्मक समूह की भांति कार्य करेगा। अब आठ हो गए तो आठ तीन दो तीन है, लेकिन ये जो नाम आ रहे हैं इनके नाम लिखने पड़ेंगे। दूसरे नंबर पे एथिल है, ई से बनेगा, तीसरे नंबर पे भी एथिल है, चौथे नंबर पे तीन कार्बन है प्रोपिल है, और पांचवें कार्बन पे मैथिल है। तो इसका नाम जो आ जाता है वो ओक्टेन तो बाद में लिखेंगे, पहले इनके नाम लिख देते हैं। तो टू पे थ्री पे, टू पे और थ्री पे डाई एथिल है, दोनों हो गए। फिर एम और पी में देखेंगे कौन पहला आएगा, फाइव मैथिल है, मैथिल हो गया, और फोर पे प्रोपिल है। अब सारे कार्बन निबट गए, अब ये ओक्टेन आ जाएगा ओक्टेन। अगर यहाँ कुछ सी ओ ये सी ओ एच या ओ एच वगैरह एल्कोहल होता है यहाँ इधर ही इधर, तो ओल और आ जाता, अब इधर आ जाता। इसमें हमारे पास नंबरिंग हम इधर से करेंगे जिधर से हमें क्रियात्मक समूह नजदीक पड़ेगा, ठीक है जी। एक तो लंबी से लंबी चैन लेते हैं और फिर नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक पड़े। और तीसरा नियम सुनो, क्रियात्मक समूह अगर जो एक से ज्यादा है तो उसमें से वरीयता सारणी में जिसका स्थान ऊपर है उसका अनुलग्न आएगा और बाकी सबके पूर्ण लगन आएंगे। अनुलग्न एक ही आता है जो बाद में लिखे जाते हैं, पूर्ण लगन हमेशा नाम से कार्बन के नाम से, ये कार्बन के नाम होते हैं, कार्बन के नाम से पहले लिखे जाते हैं, अनुलग्न कार्बन के नाम के बाद लिखे जाते हैं। तो पूर्ण लगन हजारों आ सकते हैं लेकिन अनुलग्न सिर्फ एक ही आता है, उसका आएगा जिसकी वरीयता सारणी में स्थान अधिक होगा, ठीक है। अब ये तो अकेला ही है तो इसमें तो कोई कहने सुनने वाली बात है ही नहीं, क्या हो जाएगा एक दो, तो दो कार्बन के लिए एथेन और डैश ला के लिखेंगे वन ओल। आईयूपीएसी में जितना नाम तोड़ के लिखते हैं टुकड़ों में लिखते हैं उतना ही अच्छा माना जाता है। चाहो तो तुम इसे ऐसे भी लिख सकते थे कि वन पहले लिख के कॉमन लिखेंगे और इसे एथेनॉल भी लिख सकते, एथेनॉल दोनों सही है। अब देखो इसमें देखेंगे क्रियात्मक समूह पे जानेंगे, क्रियात्मक समूह ये होता है एक ही होता है, तो एक दो तीन नंबरिंग हम उसे होता कहते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह पावर वाला नजदीक पड़े, ये नजदीक पड़ेगा वेरी तो ये दोनों एक ही है। अब देखो सर दो है, एक तो एमीन है एक एल्कोहल वाला है। अब इसमें से अनुलग्न कितना लगेगा, अनुलग्न लगेगा इसका और पूर्ण लगन लगेगा इसका। टेबल खोल लो, कहाँ है तुम्हारी वो टेबल, परिता सामने में दिखता रहेगा। तीन कार्बन के लिए प्रोपेन है, देखो तीन कार्बन के लिए प्रोपेन है लेकिन उससे पहले पूर्ण लगन आएगा इसका, क्योंकि अनुलग्न तो इसका आएगा। तो पहले पर क्या आएगा पूर्ण लगन इसका, एमिनो और प्रोपेन, एमिनो प्रोपेन और क्या हो जाएगा वन ओल। इधर देख लो, इधर हम नंबरिंग करेंगे उस ओर से जिस ओर से क्रियात्मक समूह नजदीक पड़ेगा, पावर जिसमें क्रियात्मक समूह है दो। अब इनमें पावरफुल कौन सा है, बड़ी तक इससे ज्यादा है इसकी। अब कोई ये ना सोचे कि नंबरिंग यहाँ से करेंगे, अगर क्रियात्मक समूह में भी कार्बन है ना तो कार्बन पर नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग हमेशा कार्बन पर की जाती है, इसमें भी गिना मतलब ये उसमें भी गिना जाएगा। दो तीन चार, तो अब देखो दूसरे पे तो आ गया हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी क्यों आया क्योंकि अनुलग्न इसका आने वाला है, इसका पूर्ण लगन आएगा हाइड्रोक्सी ब्यूटेन और वन ओइक अम्ल। इधर देखो क्रियात्मक समूह, ये सब क्रियात्मक समूह ही है, नंबरिंग इसकी ओर से होगी, एक दो तीन चार पाँच, पांच कार्बन के नाम होता है पेंटेन लेकिन इसमें भी ए बी सी डी का क्रम लगेगा, ये बी से बनेगा, ये सी से बनेगा, ये एन से बनेगा। तो टू ब्रोमो, कोमा लगा देंगे इसमें डैश लगता है नंबरों में, टू ब्रोमो थ्री क्लोरो, हाँ जी क्लोरो, और जी फोर नाइट्रो और पेंटेन, वो वन पे क्या है अल या पेंटेन अल भी कह देते हैं। इसमें देखो क्रियात्मक समूह एक ही है और एक ही है, नंबरिंग किसकी ओर से करेंगे, इसकी बड़ी तो ज्यादा है इसकी ज्यादा है, एक दो तीन। अब इसमें भी दिक्कत है, अब तुम इसकी ओर ना करके ना जो भी कार्बन तत्व भी है इसकी ओर करोगे क्योंकि अपनी ओर खींचेगा इसकी, तो अगर इसकी भी वरीयता ज्यादा होती है इसकी तुलना में, तब दूसरे पे तो मैथिल जाएगा साइड में, दिख रहे हैं कार्बन चेन ये बनी, तो दूसरे कार्बन पर तो रह गया मैथिल और जी प्रोपेन, तो
ओपन वन ऑयल की लड़ाई इसकी बात करें साइनो सी से बनेगा थ्री साइनो और टू मैथिल प्रोपेन वन ऑयल। इसमें देखेंगे पावर कितनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है 1 2 3 4 5। मैथिल दूसरे पे है, हाइड्रोक्सी तीसरे पे है, एमीन चौथे पे है, तो कौन सा पहला आएगा? फोर एमिनो और थ्री हाइड्रोक्सी टू मैथिल। ऑप्शन कितना है? पेंटेन और वन नाइट्राइल नाम आता है इसका, साइनो नहीं है, बाद में नाम आएगा तो नाइट्राइल आएगा, इधर आ जाता है। अब देखो ये तुम्हारे लिए हट गए, इसका नियम कानून कुछ नहीं लिखवाया है, लेकिन इसमें सोचो ये सी डबल ओ एच होता है ना, जैसे ये इसका एच हट जाए ना तो ये एस्टर बन जाता है, होता ये भी अम्ली है, एस्टर बन जाता है। जब एस्टर बन जाता है तो ये चैन की आयु कैसी होती है, जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है ना उसका साधारण नाम आता है, जो कार्बन के साथ चैन जुड़ी होती है उसकी आयु कैसी की जाती है, आगे वाले का साधारण नाम आएगा, चाहे वो एथिल हो, मैथिल हो, ब्यूटिल हो, प्रोपिल हो, कुछ भी हो, उसका नाम आ जाता है। जैसे इसका नाम आ जाएगा मैथिल, और मैथिल नहीं है यहाँ, सोडियम पोटेशियम या कैल्शियम भी हो सकता था, अगर यहाँ सहने होता तो यह लिख देते सोडियम बस। अब आगे के नाम के अनुसार आएंगे, 1 2 3 कार्बन के नाम होता है प्रोपेन। अब इसके लिए ना एस्टर के लिए 8 लगा देते हैं, टेबल में नहीं होगा लेकिन वैसे होता है 8, तो प्रोपियो ये प्रोपेनेट ओएट लगाते हैं ना, ओएट लगाते हैं, तो मैथिल प्रोपेनोएट। और अगर यहाँ कहीं सी एल वी एल आ जाता तो मैथिल तो ऐसे लिखा जाता, वन पर आ जाता जब वन या टू क्लोरो प्रोपेनोएट, अगर ऐसा सी एल होता तो टू क्लोरो हो जाता है, जैसे नाम होता है नॉर्मली आई देते। इधर देखो इसमें ओ एच ओ एच सब एक साथ है, कहीं भी लिख सकते हैं 1 2 3। हाँ जी हाँ ना, उसमें जुड़ जाएगी, ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है ना, कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं। अब इसमें देखो तीन कार्बन के लिए प्रोपेन है। अब कोई कहेगा यार इसमें हाइड्रोक्सी आएगा, हाइड्रोक्सी नहीं आएगा, तीनों बराबर पावर के हैं तो सबका ओ ली आएगा, वो लास्ट में जाकर आएगा, तो तीन कार्बन के लिए तो नाम हो गया प्रोपेन, और 1.2.3 ट्राई, तीन बार ओल है ट्राई ओल, तो ये तुम्हारी आई है बेसिक, समझ गए। और हर किसी चैप्टर में ऐसी होगी, एमिन वाला एमिन पा जाएगा, अम्ल वाला ओएक अम्ल वाला आ जाएगा, एल्डिहाइड वाला एल्डिहाइड, एकाध कीटोन वाला है तो कीटोन वाला भी कर लो तुम, CH3CO CH3। इसमें क्या करोगे, नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तीन कार्बन के नाम होता है प्रोपेन, और दूसरे नंबर पे क्या है ओन, प्रोपेन ओन, दूसरे नंबर पे ओन लगा हुआ है तो प्रोपेन ओन आ जाता है। ईथर वाला भी एक नाम देख लो, देखो सर एक ईथर का भी देख लो, CH3 CH2 O और CH3। अब इसमें छोटी से छोटी कार्बन चेन जो होती है ना, सुनो सर, बड़ी से बड़ी कार्बन चैन की तो नंबरिंग करते हैं, और छोटी से छोटी कार्बन चैन ऑक्सीजन के साथ जाती है, तो छोटी वाली होगी। अब इसमें छोटी वाली चैन है ये, तो ओ इसके साथ चला गया, ओ होता है ऑक्सी, है ना ऑक्सी, तो मैथेन के साथ आ गया तो मैथोक्सी बोला जाएगा। अब तुम इसे ना इसे ऐसा समझना, इसे इसके साथ क्लोरीन क्लोरीन लगा हुआ हो, ऐसा करके जैसे इस कार्बन से क्लोरीन लगा होता तो हम क्या नाम बोलते थे, ऐसे आ जाएगा, बाकी तो उसकी आई पी एस आ जाएगी 1 और 2। तो पहले कार्बन पे क्या लगा हुआ है, ये वाला ग्रुप, कौन सा ग्रुप है, 1-methoxy, और इसका आईयूपीएसी नाम लिखेंगे क्या है, एथेन, या ऐसा आ जाता CH3 CH2 CH2 O CH3, या इससे एक और CH3 जुड़ जाए, तो हम तो ऐसा सोचेंगे जैसे ये ना जुड़ गया, या जैसे क्लोरो ब्रोमो जुड़े होते हैं, तो ये क्रियात्मक समूह जुड़ गया, क्रियात्मक समूह ये हो गया, एक ये हो गया, तो 1 2 3, पहले पे क्या 1.1 डाइमेथोक्सी प्रोटीन, ये ईथर वाले हो जाते हैं, तो लिख देंगे जी सारे ऐसे नाम, या यूपीएससी थी, उसके बाद हेडिंग डाल देंगे समावयवता,
भरोसा वाला कहाँ है भाई, बताओ क्या दिक्कत आ रही है तुम्हारे हिसाब से, क्या होना चाहिए? NO2 नाइट्रो ग्रुप होता है ना, लिखा क्या टेबल में? जो सबसे लास्ट में लिखा होगा अच्छा कल नहीं आए थे क्या? याद नहीं था, आ गया भूल गया। यार दरवाजे कौन खोल देगा, बड़ी तेज जरूरत नहीं आ रही है। सर ना दरवाजे बंद करिए, दरवाजे बंद करके रहिए, अगर खोलता कौन है? बस बस देखो सर, ऐसा लिखेंगे श्रृंखला समाव्यवता में यह है समाव्यवता, यह है समाव्यवता, यह समाव्यवता श्रृंखला में भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है, यह समाव्यवता श्रृंखला में भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है। देखो भाई आलो सूत्र है ये सी सी और ये सी और सी सी ना ना, बहुत हो गया ये समाव्यवता क्या, उसमें श्रृंखला में भिन्नता कारण उत्पन्न होती है। अब देखो कैसे होती है, चार कार्बन हमने लगा दिए, OH यहाँ लगा दिया, ऐसे इसमें OH हमने यहाँ लगा दिया। अब कैसे कैसे जरूरत पड़ेगी, सिंगल बंद से सब जुड़े हुए होंगे, यहाँ 3H की जरूरत पड़ेगी, यहाँ 2H की जरूरत पड़ेगी, यहाँ 2H की जरूरत पड़ेगी और यहाँ भी 2H की जरूरत पड़ेगी। काउंट करना 10H हो जाएंगे सारे। ऐसे ही यहाँ CH3, यहाँ सिर्फ H की जरूरत पड़ेगी, यहाँ CH2 की जरूरत पड़ेगी और यहाँ CH3। अगर तुम इसमें ध्यान से देखोगे ना तो चैन जो है ना, चैन इसमें चार कार्बन सीधे सीधे हैं, इसमें चार कार्बन टूट गए हैं, ब्रेक हो गया अभी, इसमें श्रृंखला भिन्न हो गई है। नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4 ब्यूटेन 1 ओल,
इसमें देखेंगे नंबर इधर से 1 2 4 तो नीचे को चले जाओ या इधर को 3 2 मैथिल, टू मैथिल और प्रोपेन 1 ओल, प्रोपेन 1 ओल, टू मैथिल प्रोपेन 1 ओल उतार लो उदाहरण, और दूसरा वाला एडिंग डाल देंगे। हाँ जी हाँ जी, यू नहीं है, 4 है सब। देखो हाँ जी, H10O ऑक्सीजन, ये अणुसूत्र होते ना मिलकर बनता है, संरचना तो बाद में खुलती है उसकी। देखो स्थान समावयवता, स्थान समावयवता स्थान समाविकता में बेकार, रुको रुको, अगले में यह समाव्यक्ता, यह समाव्यक्ता, हाँ सेकंड में, वह नहीं, यह समाव्यक्ता क्रियात्मक समूह, यह समाव्यक्ता क्रियात्मक समूह के स्थान में, क्रियात्मक समूह के स्थान में भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है, क्रियात्मक समूह के स्थान में भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है। देखो भाई इधर है ब्यूटेन 1 ओल, इधर है ब्यूटेन 2 ओल, तो ओल का स्थान, ओएच का स्थान जो ना यहाँ 1 पर है और यहाँ 2 पर है, स्थान बदल गया है, निकाल लेंगे, स्थान बदल गया है। अरे वही नहीं है, बात सही है यार। हाँ जी एग्जाम्पल ना, तुम यहाँ बैठे करो भाई, यस तुम परेशान रहते हो वहाँ बैठ के, इधर बैठे। पीछे से कुछ गड़बड़ दिखाई देता है तुम्हें कुछ तो कुछ, इसलिए यहाँ बैठोगे तो साफ दिखा देगा। ध्यान दे रहा है काम की वजह से क्लास से बोले हो जाते, वो घंटों बैठ के यार जा रहे हैं यहाँ, उसका भाई भी यहीं पड़ा हुआ है ना। यहाँ आने वाले टाइम में हर एक पीढ़ी ने जितनी भी होंगी यहाँ वो सब यहाँ से पढ़ के जाओगी होगी।
जो बोल लिया ना इसी खानदान से तो तीन तीन पड़ के निकल गए, ये चौथी पीढ़ी बैठा है, चौथी चौथी पीढ़ी। कौन मिल गया? वो टेलर जो है वो भी पड़ा हुआ है, उसने उसने पैसे मान लिए, उससे कह दियो सर कह रहे हैं तो पैसे बेमानी कर लिए उनके, बहुत बेकार आदमी थे। हो गया भाई, हाँ मैं तो अभी कहता हूँ कौन करे तो उसमें सर क्या करें ये बताओ, सरकार बदल गई तो सर क्या करें उसमें? अच्छा बात करें, देखो भाई क्रियात्मक समाव्यवता में इसमें लेंगे, यह समाव्यवता, यह समाव्यवता, यह समाव्यवता क्रियात्मक समूह में भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है, यह समाव्यवता क्रियात्मक समूह में भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है। याद रखना आपके क्रियात्मक समूह ही बदल जाएगा पूरा। उसमें क्रियात्मक समूह का स्थान बदल जाता है, स्थान में भिन्नता के कारण, और यहाँ क्रियात्मक समूह ही बदल जाएगा पूरा। देखो ये इसमें 10 ही एच है एक ओ है, इसमें भी 10 एच है एक ओ है, लेकिन एल्कोहल का ईथर में बदल गया। ये यहाँ क्रियात्मक समूह एल्कोहल है, यहाँ क्रियात्मक समूह ईथर है, जबकि अणुसूत्र सेम है दोनों का। तो ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, सही परिभाषा पता है क्या होती है? सही परिभाषा होती है, एग्जाम में परिभाषा लिखना नहीं आती, परिभाषा ये होती है वे कार्मिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उनमें उपस्थित क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न होते हैं, क्रियात्मक समावयवी कहलाते हैं, और यह घटना क्रियात्मक समावयवता कहलाती है। लेकिन सिंपल सी परिभाषा ये हो जाती है कि यह समावयवता क्रियात्मक समूह भिन्नता कारण उत्पन्न होती है, बस। हाँ परिभाषा नहीं आती एग्जाम में। अब देखो सर इसमें नाम आ गया ब्यूटेनॉल, इसमें नाम पता क्या जाएगा? ये भी एथिल है, ये भी एथिल है, साधारण नाम इसका हो जाएगा डाईएथिल ईथर, और आईयूपीएसी नाम अभी भी क्या बताया था कि कोई सी भी एक चैन छोटी वाली लिखते हैं इसमें तो दोनों बराबर है, कोई सी एक तो ऑक्सी के साथ चली जाएगी और एक का आईयूपीएसी नाम आ जाएगा, क्या हो जाएगा? एथोक्सी एथेन, एक एथोक्सी के साथ चली गई ऑक्सी के साथ, एक एथेन आ गई, लिख देंगे। और उसके बाद आ जाएगा एल्कोहल बनाने की विधियां, एल्कोहल बनाने की विधियां, हाँ दोनों। दो नाम है हमारे, पेपर कब होंगे? प्रैक्टिकल में तो बाद ही होंगे शायद, पहले प्रैक्टिकल होंगे, पेपर होंगे तुम्हारे। पांच पेपर है ना, पांच पेपर, तो जब तुम्हारा लास्ट का पेपर होगा ना पांचवा, उससे पहले होंगे चारों पेपर। अरे हम सारा काम पहले बता रहे हैं, अगर टाइम हो गया कितनी जल्दी अभी, एक अभिक्रिया वाली देखिए तुमने, लिख लो इसे, ये देखिए देखो CH3 CH2 और ये Cl, अरे सुनो सर ये वाली अभिक्रिया देखो,
पता कौन सा होता है? ये होता है जलीय। सुनो उधर, जब किसी एल्किल हैलाइड को जलीय KOH के साथ अभिक्रियत करते हैं तो एल्कोहल बनते हैं। ये अभिक्रिया तो पहले भी करवा रखी है, सेठ जी अपने हमसे पहले जो कराई थी, क्या होता था कि एल्कोहल होता तो एल्कीन बनते हैं डबल बन वाले, और अगर जो जलीय होता है तो एल्कोहल बनते हैं। इसी बहाने पिछला चैप्टर खोल कर देखने का मौका मिलेगा तुम्हें, ये अभिक्रिया पहले भी लिखी थी। यहाँ अगर तुमने CH3 लिखा ना, ये ऐसा करके देख लो अभिक्रिया नंबर वन में लिखना KOH द्वारा। जलीय KOH द्वारा पहले वाला हेडिंग डाल के ये लिख देंगे, जब एल्किल हैलाइड को, परिभाषा सुन लो यार, जब एल्किल हैलाइड को जलीय KOH के साथ अभिक्रियत करते हैं तो एल्कोहल बनते हैं। हाँ अभिक्रियत करते हैं जब एल्किल हैलाइड को, हाँ पढ़ना, अभिक्रिया देखकर आराम से लिख लेंगे, जिन्हें क्यों इतना डर रहे हैं।